राजा चलो जल्दी से मैं नुसरत आपा क्या ले चलो। पहले जरा ये तो देख लो। नवाब इकबाल खान हीरा मंडी में होने वाले काले कामों का सरगना। ना सिर्फ नवाब इकबाल खान लड़कियों को बहलाकर इस धंधे में शामिल करते हैं बल्कि हर रात खुद भी हीरा मंडी की गलियों में नजर आते हैं। यहाँ तक कि कल रात यहाँ के एमएलए साहिबा के घर होने वाली दावत में भी हीरा मंडी की तवायफ शामिल थी। और एमएलए साहिबा के साथ ही सौदा खुद नवाब इकबाल साहब ने किया था। अच्छा ये क्या बकवास है, ये झूठ है, हमारा दिल कह रहा है कि कुछ गलत है। रानी तुमने अपनी आंखों से नवाब साहब को नुसरत के साथ देखा था ना? हाँ राजा देखा था, और नवाब साहब नुसरत आपा से बहुत गुस्से में बात कर रहे थे, बहुत हक से बात कर रहे थे, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता राजा कि नवाब साहब लड़कियों को फुसला कर ऐसे नरक में लाते होंगे। हेलो गुड मॉर्निंग सर। जी सर हम अभी पहुँचते हैं। नहीं अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। अल्लाह करे सब कुछ झूठ हो आफरीन, सब कुछ झूठ हो। अखबार की बातें लोगों के जबान पर छपते देर नहीं लगती, और अगर ऐसा हुआ ना तो मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। जवान बेटी का बोझ सीने पर लेकर मैं कहाँ कहाँ भटकूंगी। अम्मी किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है, मैं जानती हूँ मेरे भाईजान ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं अपने भाईजान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी अम्मी, पूरी दुनिया से। क्या हुआ है छोटी? ये क्या है, क्या है ये? पूरे खानदान को बदनाम करने के बाद आपके दिल को तसल्ली मिल गई नवाब साहब? पूरा दिन तोते की तरह मेरे अब्बू करते हो। ये करने से पहले कम से कम एक बार उनकी इज्जत के बारे में सोचा तो होता। आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? जिस इंसान को घर के चिराग से ज्यादा महफिल की शमा रास आने लगे ना, वो कुछ भी कर सकता है। हमने आपसे पहले भी कहा है हमारे जाती मामलों में दखल ना दीजिए। कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है भाईजान, बस एक बार कह दीजिए कि ये सब झूठ है। ये सच है, सच है छोटी। हम हर रात वहां जाते हैं, हर रात। ये जानने के बाद तुम हमारे बारे में क्या सोचोगी हमें पता नहीं, लेकिन हेलो इकबाल साहब जल्द से जल्द गवर्नर ऑफिस आ जाइए, लगता है हीरा मंडी को बंद किया जाने वाला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कल रात भी रानी साहिबा के घर बात बिगड़ गई थी, इसके पहले कि जख्म नासूर बन जाए हमें इसका इलाज करना ही होगा। सर काले रंग की एक खासियत होती है, उसके अंदर कोई भी रंग घुल जाता है। हीरा मंडी की काली गलियों में भी ना जाने कितने सफेद पोशों का आना जाना होगा। कुछ तो हमारी रूलिंग पार्टी में भी है। इनका इशारा हमारी तरफ है। एमएलए साहिबा जो कुछ भी कहना है साफ साफ हमसे कहिए, घुमा फिरा कहने की क्या जरूरत। जी हम हीरा मंडी जाते, हमारे पिताजी ठाकुर साहब, बड़े ठाकुर साहब, उनके पिता के पिताजी दादा ठाकुर, उनके पिता के पिताजी दादा के दादा ठाकुर भी वहां जाते थे। परंपरा है, निभा रहे हैं, खून में है भाई, जाना तो पड़ेगा। लेकिन हम हीरा मंडी जब जाते हैं तो दो चार फूल तोड़ने के लिए, नवाब इकबाल खान साहब की तरह नहीं, उस मंडी को जो अपनी जागीर बनाकर बैठे हुए हैं। तो ठीक है, मैं इस मुद्दे पर आप सब लोगों की तरफ से ये फैसला लेता हूं कि हीरा मंडी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। वैसे भी ये गैर कानूनी है,
और इसके बंद होने में ही समाज की भलाई है। गवर्नर साहब, लेकिन उन औरतों की भलाई, हम जानते हैं समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसका कोई और समाधान भी तो हो सकता है। हमारे दिमाग से निकल गया भाई, इनकी दोस्त नुसरत तवायफ भी तो वहां रहती हैं, क्यों? सर, उन औरतों को हमारी मदद और हमदर्दी की जरूरत है, हम ऐसे उन्हें कुचल नहीं सकते। कहां जाएंगी वो? ऐसा कुछ भी करने से पहले हमें उनके पुनर्वास की योजना बनानी होगी। बिल्कुल बनानी पड़ेगी भाई, और हमारे ख्याल से इसमें आपकी नुसरत आपा को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्यों? बस कीजिए ठाकुर साहब, एमएलए गायत्री, औरतों के पुनर्वास के बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले तो अखबार में छपी इस खबर ने हर तरफ आग लगा दी है। अगले 24 घंटों के अंदर हमें इस आग को रोकना ही होगा, वरना इन आग की लपटों से आप अपनी सरकार को भी नहीं बचा पाएंगी। मुझे उम्मीद है मेरे इस फैसले में आप सभी मेरे साथ हैं। हमें जब थप्पड़ पड़ता है सामने वाले को जरा भारी पड़ता है। वेद कश्यप जी, ठाकुर साहब, तुम्हारे अखबार के लिए एक धमाकेदार खबर है। जी, समझे? जी जी ठाकुर साहब। वो जा चुके हैं। मैं मेरे साहिबा, आपको हमारी मदद करनी होगी। वो हीरा मंडी को बंद करें। ऐसा हो गया तो वो सब लोग सड़क पे आ जाएंगे। आपको उनके बारे में पहले सोचना चाहिए था नवाब साहब। माफ करें, गवर्नर साहब अपना फैसला ले चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। रानी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो लोग हीरा मंडी बंद कर रहे हैं राजा, हमारी वजह से नुसरत आपा की जिंदगी बिखर रही है। हमें किसी भी हाल में उनकी मदद करनी होगी। आप लोग इतने आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हो। मैं सिर्फ नवाब इकबाल खान साहब के बारे में ही जानना चाहता हूँ। चलिए, अच्छा, आप लोगों के लिए मैं सवाल और आसान कर देता हूँ। कितनी बार आना जाना होता है उनका यहाँ पर, और आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? नवाब साहब हर रात यहाँ आते हैं। हर रात? तो फिर हर रात दिल बहलाने के लिए उन्हें कोटे पे बहुत सी लड़कियाँ मिल जाती होंगी। नवाब साहब आते जरूर हैं, लेकिन केवल नुसरत के लिए। आज तक नवाब साहब ने नुसरत के अलावा और किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया है। अब ये सिर्फ हमारी दोस्ती नहीं, हमारा फर्ज बन चुका है राजा। हम नुसरत आपा को दर दर की ठोकरे खाने के लिए नहीं छोड़ सकते राजा। अब हमें ही उनका ख्याल रखना होगा। हाँ रानी, बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, और जब तुमने उसे अपना कह ही दिया है तो वो मेरे लिए भी पराई नहीं है। राजा, हम नुसरत आपा को अपने दफ्तर में किसी काम पर रख लेंगे, और जब तक उनके घर का बंदोबस्त नहीं होता हम उन्हें इस घर में रखना चाहते हैं। क्या हम उन्हें यहाँ अपने घर में रख सकते हैं? तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो रानी, मैं और माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मर्दों का दिल लुभाना खूब जानती हो तबायफ नुसरत। मर्द? इतने बड़े पत्रकार होकर भी आपको ये नहीं पता कि जिस लफ्ज के मायने ना पता हो उसे इस्तेमाल नहीं किया करते? क्या मतलब? मतलब ये कि जिसका दिल एक औरत को तबायफ बुलाकर और उसे नीचा दिखाकर बहल जाए वो मर्द नहीं होता। लेकिन इस बात को आप कैसे समझ पाएंगे पत्रकार साहब? इसे तो एक असली मर्द ही समझ सकता है। दो कौड़ी की तबायफ? तेरी इतनी हिम्मत की तो मेरी मर्दानगी पे सवाल उठाएगी। चल अंदर।
चल बंद दरवाजे के पीछे, मैं तुझे अपनी मर्दानगी का सबूत देता हूं। नुसरत, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। ये किस लिए? ये वो हक है जो हमें तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था, हमारी खुशी पर हक, हमारी जिंदगी पर हक, हमारे वजूद पर हक। हम तुम्हें अपने सारे हक देना चाहते हैं नुसरत, हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। आज तक दुनिया वालों की वजह से चुप रहे, पर अब हमें उनकी कोई फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी, हम तुमसे अलग नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे कदम हीरा मंडी छोड़ेंगे तो वो सिर्फ हमारी जिंदगी में आने के लिए। नवाब साहब, आपने हमारे साथ रातें गुजारी तो दुनिया आप पर कीचड़ उछाल रही है, और आप हमारे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप अपनी और बेइज्जती क्यों करवाना चाहते हैं? नुसरत, हम अपनी बेइज्जती सह सकते हैं, लेकिन तुमसे दूरी नहीं, हमारे दिल में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत है, और दुनिया वालों के ताने इस मोहब्बत को कम नहीं कर सकते। हमने आपको आंसू और दर्द के अलावा दिया ही क्या है? कुछ आंसू और दर्द खुशियों से ज्यादा कीमती होते। हमारी मोहब्बत ने तुम्हारे इंतजार को मात दे दी, अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे, हमारी बीवी बनकर। हम हमारे निकाह की तैयारी करने के लिए दरगाह जा रहे हैं, तब तक तुम ये हमारे प्यार का जोड़ा पहन लो। हम वापस आएंगे तो हमें हमारी दुल्हन तैयार मिलनी चाहिए। आप मेरा वो ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं जिसको देखने तक की मैंने कभी हिम्मत भी नहीं की। आपको आपकी दुल्हन तैयार मिलेगी नवाब साहब। बिल्कुल सही सुना आपने मौलवी साहब, हम निकाह करने जा रहे हैं आज अभी इसी वक्त, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी नवाब साहब आपने, लेकिन वो खुशनसीब है कौन? खुशनसीब वो नहीं मौलवी साहब, खुशनसीब तो हम हैं जो हमारा रूखा हाथ थाम कर हमारे साथ हमारी जिंदगी का सफर तय करने को तैयार हुई है। आपके बदले मिजाज देख कर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो बताइए कि वो मोहतरमा है कौन? जाहिर है कि जो नवाब की बेगम होगी कहीं ना कहीं की शहजादी होगी। अब वो कौन है? ऐसा कौन सा जादू कर दिया तुमने नवाब साहब पर कि इतनी बेईमानी का काम भी वो इतनी ईमानदारी से करते हैं? हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। मुझे नवाब इकबाल खान से ये निकाह कबूल है। क्या बात है नवाब साहब, ये उलझन कैसी? मौलवी साहब, अगर हमने आपको उसका नाम बता दिया तो शायद आप हमारा निकाह करने से इनकार कर देंगे। उसका नाम नुसरत है, वो हीरा मंडी की कोठी पे बैठती है। जिस इश्क को खुदा ने मंजूरी दे दी उससे मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? आपका ये निकाह करवा कर मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा।
नवाब साहब, आप देख रहे हैं मेरी तबीयत कुछ नासाज है, पहले अस्पताल जाकर मुझे अपनी दवाइयां लानी होगी। मौलवी साहब, उस बात की फिक्र आप मत कीजिए, रास्ते में अस्पताल आता है, हम आपकी दवाइयां वहां से उठा लेंगे। अच्छा, नुसरत पापा। रोशनी भरते उनकी खुद की जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों होता है? नुसरत आपा ने तुम्हें जिंदगी दी और खुद अपनी जान, आपा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, फिर ऐसा क्यों किया? क्यों? वो तो जीना चाहती थी, बड़ी खुशी से जीना चाहती थी, लेकिन वो नवाब इकबाल खान ने मेरी बच्ची की जान ले ली। अरे मार डाला इसे ने। मैडम, हम इस घटना की अच्छी तरह से पड़ताल करेंगे, फिलहाल हमें इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। गुस्ताखी माफ मैडम, कुछ लोग अपने हाथों से खुद अपनी बदकिस्मती को लिखते हैं, ऐसी औरतों का क्या जीना और क्या मरना? ऐसी बाजारू औरत के मामले में आप इतनी परेशान क्यों हो रही? इंस्पेक्टर साहब, किसी भी औरत को कोई नाम देने से पहले एक बात याद रखे कि वो इंसान है, और अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रही, आपको उन्हें इज्जत देनी चाहिए। माफ कीजिएगा मैडम, इज्जत इंसान अपनी चीजों की करता है, किराए की चीजों की इज्जत थोड़ा कम ही होती है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, जब तक इनके पास हुनर होता है तब तक लोग इन्हें पूछते हैं, वरना तो इनकी मौत पर कोई दो आंसू बहाने वाला भी नहीं होता। नुसरत आपा की मौत पर आंसू बहाने वाले उनके अपने हैं, इसलिए हम चाहते हैं आप उन्हें हमें सौंप दें, ताकि हम उन्हें पूरी इज्जत से दफना सके। बुरा ना माने तो एक बात पूछू मैडम, ऐसा क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? वही रिश्ता जो एक इंसान का इंसान के साथ होता है, वही रिश्ता जो एक औरत का औरत के साथ होता है, वही रिश्ता जो एक बहन का दूसरी बहन के साथ होता है। नुसरत आपा हमारी बहन थी, भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, पर हमारा रिश्ता दिल से जुड़ा था, और एक छोटी बहन होने के नाते हम चाहते हैं कि आप उन्हें हमें सौंप दें, ताकि एक आखिरी बार हम उन्हें वो इज्जत दे सके इसकी वो हकदार है। मैं अपने कहे के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी मैं उनकी डेड बॉडी आपको सौंप दूंगा। थैंक यू, पर हम चाहते हैं उनका शादी का जोड़ा भी आप हमें दे दीजिए, हम उन्हें आखिरी बार उनकी शादी के जोड़ में विदा करना चाहते हैं। उनका कोई रिश्तेदार या करीबी जिसे आप इन्फॉर्म करना चाहती हूँ? जी नवाब साहब घर पर नहीं है, मैं उनकी अम्मी बोल रही हूँ। कोई जरूरी खबर है तो बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। जी हम रानी गायत्री राजबीर सिंह बोल रहे हैं, यहाँ के MLA। नवाब साहब के लिए एक बुरी खबर है, नुसरत इस दुनिया में नहीं रही। नुसरत? जी, आज शाम को उनका जनाजा उठने वाला है, प्लीज नवाब साहब को इत्तला कर दीजिएगा। जी जरूर, शुक्रिया। नुसरत, हम जानते हैं ये फूल तुम्हें कितने पसंद है, अब इनकी खुशबू से तुम्हारी जिंदगी हमेशा महक उठेगी। तुम हमारी हो नुसरत, तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, मौत भी नहीं।
सुसाइड केस है। एक मिनट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।